नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की कवायद को लेकर अपनाया जा सकता है बघेल मॉडल। 20 विधायक बन सकते हैं संसदीय सचिव, सीएम कैबिनेट मंत्रियों के साथ होंगे अटैच। दिल्ली में सोनिया गांधी से सचिन पायलट के बीच मंथन, मुलाकात के बाद बोले पायलट अध्यक्ष, सोनिया गांधी से अच्छे माहौल में हुई बातचीत, कई मसलों पर हुआ मंथन। बीजेपी और आरएसएस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वार, कहा हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा बोले धर्म पर सवाल उठाना कांग्रेस का चरित्र। भीख में मिली आजादी वाले बयान पर घिरी अभिनेत्री कंगना रनौत, चूरू में कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज ने जानकारी दी, जोधपुर में भी केस दर्ज। कथित फोन टैपिंग मामले में सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, कहा अदालत के आदेश के बिना नहीं होगी कोई कार्रवाई, मामले में अब 13 जनवरी को सुनवाई। सीएम की पहल पर पचपदरा बस दुखांतिका के मददगार सम्मानित, जिला कलेक्टर ने दिए 10 मदद वीरों को प्रशस्ति पत्र, साहसी वीरों ने जलती बस में कूदकर बचाई थी 22 लोगों की जान। कोरोना फिर बढ़ाने लगा टेंशन, 24 घंटे में 500 से ज्यादा मौतें, लोगों को पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत। जयपुर में बोरवेल के पास बने गड्ढे में गिरे दो युवक, चौमू के अनंतपुरा चिमनपुरा इलाके की ये मामला है, दोनों बच्चों को निकलवाया गया बाहर, एक ही बाहर। अजमेर में पीड़ित परिवार ने लगाई इच्छा मृत्यु की गुहार, पैसे के लिए एक शख्स पर परेशान करने का आरोप, कहा न्याय नहीं मिला तो इच्छा मृत्यु दे दे। 17 नवंबर को भारत न्यूजीलैंड मैच, भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर पहुंचने लगे पिंक सिटी, रविचंद्रन अश्विन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर पहुंचे जयपुर। कांकरोली के द्वारकाधीश मंदिर में गोपाष्टमी का पर्व मनाया गया, इस दौरान परंपरा अनुसार गौवंश को सजाकर चौक में लाया गया। राजसमंद पुलिस ने फर्जी तरीके से सरकारी शिक्षिका पद हासिल करने के आरोप में एक शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। राजसमंद के श्रीनाथ जी मंदिर की गौशाला में गोपाष्टमी के पर्व पर सांडों और बीजारों की भिड़ंत कराई गई, इस दौरान पार्किंग और कानून व्यवस्था के लिए पुलिस मौजूद रही। झुंझुनू में 5 वर्ष तक के बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए सांस अभियान चलाया जा रहा है, इस दौरान स्वास्थ्य विभाग अपने फेसबुक पेज के माध्यम से आमजन को जागरूक कर रहा है। ब्यावर में आंवला नवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, इस अवसर पर महिलाओं ने आंवले की पूजा अर्चना की। बारा के छिपा बड़ौत पंचायत समिति में कार्यवाहक प्रोग्रामर धनपाल मीणा का विदाई समारोह मनाया गया, इस दौरान वहां के सभी ई मित्र धारक मौजूद रहे। ब्यावर के राम द्वारा में 7 दिवसीय श्रीमद भगवत कथा चल रही है, इसके चौथे दिन कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया, इस दौरान संत राम प्रसाद महाराज ने श्री कृष्ण की राम लीलाओं के बारे में बताया। झुंझुनू के पुलिस अधीक्षक से मिलकर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा और कुहाड़वास सरकारी विद्यालय में हुए मारपीट के मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की। ब्यावर में एसडीएम ने जालिया रोड पर कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया, साथ ही 5 पेटी अवैध शराब जब्त की। रामसिंहपुर के नजदीक अनूपगढ़ शाखा में मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना से क्षेत्रीय वन रक्षक कमल विश्नोई मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पिड़ावा के कोटड़ी गांव में मॉर्निंग वॉक के लिए 20-25 छात्राएं आई थी, तभी पिड़ावा की ओर से तेज रफ्तार से आ रही बाइक छात्राओं के झुंड में घुस गई, हादसे में 3 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई। लाडनू के दूडीला गांव में कच्ची झोपड़ी में आग लगने के पास अनाज रखा हुआ जल गया, गनीमत ये रही कि आग भड़कने पर चाय बना रही बालिका दौड़कर दूर चली गई। ब्यावर में आयुक्त के अभाव झेल रही नगर परिषद को निकाय विभाग ने 15 दिनों के लिए अस्थायी आयुक्त की व्यवस्था की है और इसी के तहत नगर पालिका नसीराबाद के अधिशासी अभियंता भगवंत सिंह परमार ने नगर परिषद पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। जयपुर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिक्षा विभाग के साथ मिलकर सभी स्कूली बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी, इस स्क्रीनिंग में बच्चों की न सिर्फ जांच की जाएगी बल्कि आवश्यकता पड़ने पर परामर्श के साथ इलाज भी दिया जाएगा।
बाड़मेर के भांडियावास में बस और ट्रेलर की भिड़ंत में 22 लोगों की जिंदगी बचाने वाले 10 मददगीरों का सम्मान किया गया। राज्य सरकार के निर्देश पर सभी को 21,000 के पुरस्कार से नवाजा गया। ब्यावर की ग्राम पंचायत कोटड़ा में आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान 225 जाति मूल निवास प्रमाण पत्र जारी कर लोगों को राहत पहुंचाई गई। और झुंझुनू के मंडावा में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण कर लोगों को राहत पहुंचाई। लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने बाइक चोरी मामले की वारदात में कार्रवाई कर 2 नाबालिग को निरुद्ध किया, साथ ही चोरी की हुई बाइक को अपने कब्जे में ले लिया। अजमेर के रामगंज निवासी विकी कुमार भसीन ने एसपी को पत्नी के बर्ताव से परेशान होकर ज्ञापन सौंपा, साथ ही न्याय की गुहार लगाई। फुलेरा में गोपाष्टमी के पर्व पर संस्था गौ जल सेवा परिवार को सिंगवाल परिवार ने 21 पानी कुंडियां भेंट करी। आपको बता दें गौ जल सेवा परिवार ने अब तक 81 पानी की कुंडियां लगवा दी है। चूरू पुलिस ने दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान न्यायाधीश ने आरोपी को 1 दिन की पीसी रिमांड पर भेजा। चूरू के बीनासर गांव के पास सवारियों से भरी बस खड़ी कर शराब के नशे में ड्राइवर फरार हो गया। गनीमत रही कि बीच सड़क पर खड़ी बस में कोई हादसा नहीं हुआ। बयाना के इंडौन सड़क मार्ग पर बाइक और कार भिड़ंत में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं घायल को प्राथमिक उपचार के बाद भरतपुर रेफर किया गया। चूरू के रतनगर वार्ड नंबर 1 और 3 में गंदे पानी की समस्या को लेकर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। खीवसर के ग्राम नारवा में स्कूल बस और बाइक में टक्कर में 3 बाइक सवार घायल हो गए। भीलवाड़ा कांग्रेस कार्यालय में कार्यकारिणी अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ रामपाल शर्मा ने बैठक की। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन करने को लेकर चर्चा की। राजगढ़ नगर पालिका में आयोजित प्रशासन शहरों के संघ शिविर का क्षेत्रीय उपनिदेशक ने निरीक्षण किया। सवाईमाधोपुर के भडोला ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन किया गया। अलवर जल आंदोलन टीम ने रेल नदी क्षेत्र में चल रहे अतिक्रमण को लेकर हाई कोर्ट में रीट दायर की। रसम में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन किया गया। वहीं दौरे पर रही प्रमुख शासन सचिव अर्पणा अरोड़ा ने जसोता गांव पहुंचकर शिविर का निरीक्षण किया। जोधपुर जिले के देचू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। नसीराबाद की ग्राम पंचायत भटियानी में विधिक जागरूकता एवं अखिल भारतीय जागरूकता ने आउटरीच कैंप का आयोजन किया। सिरोही में पुराने टायरों से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके कारण एक तरफा रास्ता बाधित हो गया। बीकानेर की बजरंग बिहार कॉलोनी में चोरों ने 3 मकानों को निशाना बनाया, हालांकि चोरों को 2 मकानों से कुछ नहीं मिला। चूरू में महिला कांग्रेस ने आजादी को लेकर दिए बयान को लेकर कंगना रनौत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज ने ये जानकारी दी। जयपुर में इंदिरा गांधी शक्ति निधि योजना की मंत्री ममता भूपेश ने बैठक ली, कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने अजीतगढ़ के राजकीय सामान्य चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद ने अस्पताल के वार्डो, लेबोरेटरी, एक्सरे, इमरजेंसी सहित सभी विभागों का जायजा लिया। सिरोही के माउंट आबू की नक्की झील में सफाई करते वक्त युवक की डूबने से मौत हो गई, सूचना पर नगर पालिका के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बाड़मेर में जानपालिया गांव का एक युवक करीब 17 दिन से घर से लापता था, जिस पर युवक के पाकिस्तान निकल जाने का अंदेशा जताया गया। जापू में सोनू हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट की ओर से बीलवा पंचायत में संस्थापक और समाज सेविका सुनीता छाबड़ा ने करीब 500 महिलाओं को सैनिटरी पैड्स का वितरण किया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।